हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आपका अपना संतोष वर्मा। हम आपको आज फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताएंगे कि फार्मेसी में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और खासकर डी फार्मा कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले एक काम करिए कि हमारे चैनल SM फार्मेसी को, इसको आपको यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे SM फार्मेसी चैनल मिलेगा। उसे आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकॉन को दबा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नया वीडियो होगा वो आपके पास आसानी से पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले हम डी फार्मा कोर्सेज के बारे में बात करना चाहेंगे कि डी फार्मा में कितने कोर्सेज होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जितने भी कोर्स होते हैं उनमें क्या क्या टॉपिक होती हैं, और जो कोर्सेज होती हैं वो मतलब किस तरह से कोर्सेज होती हैं, क्या पढ़ना पड़ता है और क्या नहीं पढ़ना पड़ता, इन सब के बारे में हम आपको डीपली बताएंगे। प्लस हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन भी करवाएंगे हर एक टॉपिक का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे डी फार्मा कोर्सेज में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं वो 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो हमारा आता है HAP, जिसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और दूसरा जो हमारा आता है वो होता है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंटिया फार्मेसी। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, और हमारा चौथा सब्जेक्ट जो है वो बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है। पांचवा सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स, और हमारा छठवां सब्जेक्ट होता है वो कोगनोसी होता है, फार्मा कोगनोसी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम HAP के बारे में आपको बताना चाहेंगे, उसमें आपको क्या चीजें पढ़नी है। तो उसमें ये जानते होंगे कि जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे बॉडी सिस्टम है, मतलब जो एक ह्यूमन का बॉडी होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है, क्या काम करता है, कौन सी चीजें कहाँ पे काम करती है, इन सब के बारे में हम पूरा प्रिपेयर आपको कराएंगे एक तरफ से। पूरा हर एक टॉपिक का आपको पूरी प्रिपरेशन मिलेगी। और हमारा अगला जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा होता है बायोकेमिस्ट्री। उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रही हैं, और इस बेस पे केमिकल चेंजेस हो रही हैं, और जो हम फूड ले रहे हैं उसमें क्या क्या होती है, क्या क्या उन फूड के से क्या बीमारियां होती हैं, और उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, प्लस डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंटी ऑफ फार्मेसी। इसमें हम क्या जानेंगे कि अपने हेल्थ के बारे में जानेंगे, प्लस ये जानेंगे कि जो फार्मासिस्ट होता है उसका रोल क्या होता है, मतलब उसका रोल क्या होता है कि वो मतलब अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको किस तरह से ड्रग्स का डोज दिया जाए, किस तरह से पेशेंट की केयर की जाए, ये सब हम काउंटी ऑफ फार्मेसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है नया फार्मास्यूटिक्स। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो इंडस्ट्री होती है वो किस तरह से ड्रग्स को बनाती है, यानी एनिमल युक्त ड्रग्स और जो प्लांट युक्त ड्रग्स होते हैं, कच्चे माल होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी इसमें मशीनें यूज की जाती हैं, इन सब के बारे में हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। अब हमारा आता है फार्माकोगनोसी। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो जितने भी प्लांट से ड्रग्स मिलते हैं, बनते हैं, उनका क्या यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये सब हम फार्माकोगनोसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे जितने भी चीजें होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, जो भी ड्रग्स बनती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के साथ कौन सी केमिकल कहाँ पे रिएक्ट कर रही है, इन सब के बारे में। तो ये रहा हमारा टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। तो उसमें मतलब ये रिलेटेड चीजें हम आपको सारी की सारी टॉपिक वाइज कराते रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, और आपके प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएंगे, और आपको एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क भी मिलेंगे। अगर आपको मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक करिए या शेयर करिए, जिसे क्या होगा कमेंट बॉक्स में ये जरूर या शेयर वो करिए, और फिर उसको शेयर भी करिए, साथ साथ अपने दोस्तों और फ्रेंडों को इनवाइट भी कीजिए, जिससे मतलब हमारा वीडियो जल्द से जल्द सक्सेस हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में हम आपसे जरूर मिलेंगे।